कक्षा 11वीं गणित, कक्षा 12वीं कृषि संख्या, विषय गणित, अध्याय त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के आज हम इसमें कुछ फार्मूलों को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, हम इसे सब जानते क्या कि कॉस ए प्लस बी, यदि ये फार्मूला हमारे पास है कॉस ए प्लस बी, तो बराबरी से इसका विस्तारित रूप होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मान लो कि ये समीकरण नंबर कौन सा है, पहला। पुनः कॉस ए माइनस बी, दूसरा फार्मूला इसी का कुछ इस प्रकार से है, उसको हम लिखते कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। यदि हम क्या करें, समीकरण एक और दो को जोड़ देते, क्या करें हम इस समीकरण एक में समीकरण दो को क्या कर दे, जोड़ दे, तो ऐसी कंडीशन में जो मान मिलेगा हमारे पास वो होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबरी से। मान को ध्यान से देखिए तो ये दोनों तो घट जाएंगे, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यदि हम क्या करें, इसको मान लेते, यदि हम मान ले ए प्लस बी को, यदि हम मान ले कि हमारे पास ये जो ए प्लस बी है वो किसके बराबर, वो सी के बराबर, और दूसरा पद ए माइनस बी को मान ले कि वो किसके बराबर, डी के बराबर, और अब हम इन दोनों को जोड़ने का क्या करें, प्रयास करें, इनको क्या करें, जोड़े, तो हमारे पास इन दोनों पदों को जोड़ने पर जो पद आएगा उसको ध्यान से देखिए क्या होगा, ए में ए तो जुड़ जाएगा लेकिन बी से भी घट जाएगा, तो क्या होगा, टू ए इक्वल टू सी प्लस डी, इसलिए किसके, ए बराबरी से c प्लस डी बाय टू। यदि हम a प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, इनको जोड़ने की बजाय क्या करें, घटाएं, इनको जोड़ने की बजाय क्या कर दें हम, घटा दें, तो हम जानते हैं ऋण b धन में, धन a ऋण में, तो a से घट जाएगा, b में b जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू होगी 2b इक्वल टू, क्योंकि d का साइन माइनस हो जाएगा, तो इसलिए किसके बराबरी से, b बराबरी से होगा c माइनस डी बाय टू। तो अब इसी वैल्यू को यदि हम इसको मान लो समीकरण तीन, तो समीकरण तीन में जहां पर a है वहां c प्लस डी बाय टू, जहां b है वहां c माइनस डी बाय टू, और जहां a प्लस बी है वहां c, a माइनस बी है वहां d रखने पर, तो समीकरण तीन में मान रखने पर, समीकरण तीन में क्या रखेंगे आप, मान रखने पर, जब समीकरण तीन में हम मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको जो समीकरण मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, क्या कॉस ए प्लस बी को सी में कन्वर्ट, ए माइनस बी को डी में कन्वर्ट इक्वल टू टू कॉस किसे, ए को क्या लिखेंगे, c प्लस डी बाय टू इंटू कॉस बी को कॉस सी माइनस डी बाय टू। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। पुनः देखें, यहाँ भी अपन ने समीकरण एक में समीकरण दो को क्या किया, जोड़ा। यदि समीकरण एक में से दो को हम घटाए तो ये जो है धन होगा और ये माइनस होगा, तो ये लिख रहे हैं हम यहाँ, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे हम, समीकरण एक में से कौन से समीकरण, दो को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण एक में से दो को क्या करने पर, घटाने पर,
मान क्या आएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, वैल्यू होगी cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। दाहिनी ओर की वैल्यू को ध्यान से समझेंगे, दाहिनी ओर ये धन है लेकिन घटाने पर ये ऋण हो जाएगा, तो ये दोनों तो घट जाएंगे, ये भी ऋण है और ये धन किस में ऋण बदल जाएगा, तो ये दोनों ऋण होने की वजह से ऋण ही रहेंगे, साइन तो ऋण लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या बनाएंगे, टू साइन ए इंटू साइन बी। अब अगर ध्यान दें हम, अब यदि ध्यान दें हम, तो ए प्लस बी को पुनः किस में, सी में, और ए माइनस बी को किस में, डी में परिवर्तित कर देंगे, साथ ही साथ ए की जगह पर सी प्लस डी बाय टू और बी की जगह पर सी माइनस डी बाय टू रखने पर। तो क्या करेंगे, इसको अपन लिखे, ये मान लो हमारे पास कौन सा है, ये समीकरण मान लो चार है, तो क्या लिख रहे हैं, समीकरण चार में मान रखने पर, जैसी समीकरण चार में हम मान रखेंगे तो मान हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, मान क्या मिलेगा, cos c माइनस cos d बराबरी से माइनस टू साइन, अब ये जो a है, a तो किस में बदल जाएगा, c प्लस d बाय टू में, और b है ये बदलेगा किस में, c माइनस d बाय टू में, लेकिन आगे साइन माइनस है, इस माइनस साइन को पॉजिटिव करने के लिए हम, क्योंकि यहाँ अगर निगेटिव करते तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो हम इसको निगेटिव करेंगे, तो c निगेटिव हो जाएगा, d पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से हट जाता, तो क्या हो जाता, टू साइन c प्लस d बाय टू, इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ इस प्रकार से d पहले और c बाद में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।